हेलो माय फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं नेकलाइन डिज़ाइन पे बना रही हूँ और उसका ये वाला पैटर्न है। आई होप कि आप इसे इजीली उतार सकें, ट्रेस कर सकें। ये देखें इस तरह से। और ये नेकलाइन आपको जितना बिग साइज़ का नेक चाहिए होगा उतने ही साइज़ का आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये शोल्डर वाला है, यहाँ से ये शोल्डर स्टार्ट होता है और यूँ इस तरह से, ये इस तरह से सिंपल है बिल्कुल। जस्ट आपने यूँ इस तरह से ट्रेस करना है इसे और यूँ लीव्स अपनी मर्ज़ी से आपने जहाँ जहाँ आपने एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। और ये इस तरह, ये इसका पैटर्न है। इसी तरह आप बाजुओं पे भी शोल्डर से शुरू करके नीचे बाजुओं की तरफ ले जा सकते हैं। इसे बैक पे भी बना सकते हैं और साड़ी ब्लाउजेज़ के ऊपर भी सेम इसी तरह से आप ड्रा कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें जो मटीरियल यूज़ हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैं एंकर के थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और ये डबल कलर का है, बाई कलर है ये, और 1204 इसका नंबर है। और ये भी एंकर का है और ये 268 इसका नंबर है, ग्रीन कलर का। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं थ्रेड, इसमें ज़रूरी नहीं जो मैं कर रही हूँ वही आप करेंगे। और दूसरा ये कि आप वुल का एक के साथ भी इसको एम्ब्रॉयडरी इसकी कर सकते हैं। अब मैं इसकी 6 स्ट्रैंड्स ही ले रही हूँ। 6 स्ट्रैंड्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह से ये आता है सेम हम उसी तरह ही इसको काट लेते हैं। इसमें 6 धागे होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 6 हैं इसके, तो 6 के 6 ही मैं ले रही हूँ कट्ठे। तो सबसे पहले हम ये लीव्स बनाएंगे। यहाँ पे हम बुलियन नॉट बनाएंगे। अब हम ये ब्रांच बनाएंगे। और इसको हम स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे या इसे आउटलाइन स्टिच भी कहते हैं।
अब हम ये बनाएंगे यहाँ पे, ये हम बुलियन के साथ बनाएंगे। बिल्कुल स्मॉल सा स्टिच लेना है ऐसे। ये मैंने 20 टाइम रैप किया है इसे। इस तरह से हम इन्हें ये वाले इसी स्टिच के साथ हम ये इसे पूरे को इस तरह फिल कर लेंगे। और ये लीव्स सेम इसी स्टिच के साथ मैं बनाऊंगी। और यहाँ पे एंड पे हम क्या करेंगे, फ्रेंच नॉट बनाएंगे। मैंने 3 टाइम इसे रैप किया है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं बुलियन के साथ ही बनाऊंगी। और ये वाली स्लीव सेम इसी स्टिच के साथ बनाऊंगी। आप साटन स्टिच के साथ भी बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है बना हुआ। आगे समर आ रहा है तो आप समर में अपनी शर्ट्स के ऊपर बहुत लाइट वेट सा जो कपड़ा होता है उसके ऊपर बनाएं तो बहुत खूबसूरत लगेगा जी। और यहाँ पर नेक लाइन आप इसको कट करेंगे, जाहिर सी बात है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया। आप इसको धागे के साथ बना सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं, आप पाइपिंग लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।